मेरे अति प्रियो, आज यीशु के नाम से गणतंत्र दिवस की बधाइयां करते हैं। आज हम सब का गणतंत्र दिवस है। हिंदुस्तान में सबके लिए इन बातों के लिए मैं बधाइयां देता हूं। अपने अपने देश में जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, अपने देश के लिए आप जो है प्रार्थना करना है। विशेष आज हिंदुस्तान के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का भवन में देखिए, हम तमिलनाडु का नक्शा रखे हैं और यहाँ पर देखिए हम हिंदुस्तान को नक्शा क्यों रखे हैं, भारत की नक्शा को हम रखे हैं, क्यों इसे रखें पूछते हैं ना। हमारा हिंदुस्तान लोगों के लिए वे सब जो है यीशु को जानना है, आशीष को प्राप्त करना है, ये कारण के लिए हम ऐसे करते हैं। जब कभी हम उपवास का साथ यहाँ पर आते हैं, हिंदुस्तान के लिए बोझ से हम सब प्रार्थना करते हैं, इसलिए इस नक्शा को यहाँ पर हम रखे हैं। परमेश्वर क्या कहता है, व्यवस्था विवरण 8:10 में, और उस उत्तम देश का कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसका धन्य मानेगा। जो प्रभु देश दिया है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना। जिस देश में प्रभु ने आपको रखा है उस देश को परमेश्वर आपके लिए दिया धन्य कहना है। हिंदुस्तान को प्रभु प्रेम करता है, आपको देश का भी प्रभु प्रेम करता है। उस देश के सबके लिए प्रभु ने लघु बहाया है, वे सब पाप से श्राप से मुक्ति को प्राप्त करना है, और परमेश्वर चाहता है आप आशीष के साथ रहना। ये सारी बातों के लिए आप जो है बोध से सौंप के प्रभु से प्रार्थना करना है। हे प्रभु, तू अच्छा देश में तू हमें रखा है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जिस देश में प्रभु रखा है सारा देश प्रभु ने अच्छा सही बनाया, सारा देश को परमेश्वर सुंदर ढंग से ही बनाया। लेकिन कुछ बुराइयां जो है शैतान के द्वारा इस दुनिया में आ जाती है, इसलिए हमें प्रार्थना करना है। और हिंदुस्तान का आबादी 140 करोड़ है, इस सबसे मैं प्रेम करता हूँ और उनकी सारे समस्या के लिए सुधारने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वे आनंद और सुखी जीवन बिताएं, इसलिए मैं दुआ प्रार्थना करता हूँ, यही वचन सिखाता है। इसलिए जिस देश में रहते हैं वो सारे लोगों के लिए दुआ करना है, वे सब यीशु को ग्रहण करना चाहिए और प्रभु की ओर से आशीष को प्राप्त करना है। इसलिए हम पिताजी जिस देश में तू रखा है प्रभु, उस देश में अच्छा देश में तू रखा है, इसलिए स्तुति करते हैं। मेरे देश के सारे लोगों के लिए प्रेम करता स्तुति करते हैं। मेरे सारे देश के लोग पापों से श्रापों से बीमारियों से मुक्ति को प्राप्त करना है और वे आशीष को प्राप्त करने के लिए ये सारे लोगों के लिए क्रूस पर अपने आप को तो बलिदान के रूप में दिया है। तेरे लहू को छिटका के आज मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे लोग प्रभु श्राप से मुक्ति पा के आशीष पाना है। मेरे देश में सब लोग शांति को प्राप्त करना और आत्मिक में एक परिवर्तन को एक रूपांतर को देखने के लिए मैं आज प्रार्थना करता हूँ। हमारे प्रार्थना को सुन के तू ऐसे ही करता है, मैं स्तुति करता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन आमीन।